यूपी के मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। बता दें कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में ई रिक्शा चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां शहर से जाम को निजात दिलाने के लिए यह कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित क्षेत्रों में ई रिक्शा ले जाने वालों पर कार्रवाई की गई, जहां दर्जनों ई रिक्शा सीज किए गए। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात महा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जाम से निजात दिलाने के लिए शहर के लोगों को कोई खासी परेशानी न हो, इसी को लेकर दर्जनों ई रिक्शा ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों द्वारा सीज करने का काम किया गया। आज क्या कार्रवाई की जा रही है? ये साहब यातायात महा चल रहा है, बार बार इन लोगों को समझाया जा रहा है और ये जो इनकी ये प्रतिबंधित क्षेत्र में है, ये गाड़ियां बार बार समझाने के बाद कुआरी से लेके और हनुमान मूर्ति तक, तो कल इस संबंध में मीटिंग भी हुई थी उच्च अधिकारियों की। किसी भी रूप में ये वाहन इस रोड पर नहीं चलेंगे, ई रिक्शा वगैरह। इनमें कुछ रिक्शाएं नंबर की भी है, कुछ बिना नंबर की भी है। इनके छोटे मोटे बार बार चालान किए जाते हैं, बार बार इनको गलियों में निकाला जाता है, रोक रोक के ना भगाया जाता है, तब भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारी नाराज हैं, इसलिए ये कार्रवाई सख्त अमल में लाई जा रही है, जिससे ये लोग इस रोड पर ना चलाएं, अपना अंदर चलाएं। और हमारे TI साहब के आदेश अनुसार ये गाड़ियाँ सभी पुलिस लाइन, ट्रैफिक पुलिस लाइन भेजी जा रही हैं। जो भी साहब का आदेश होगा उसके कार्य के अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।